फर्स्ट व्लॉग। तो गाइस अभी हम हैं एक मंडप में ताजमहल में, और गाइस देखिए ये रहा ताजमहल, ये रहा सारा राइट साइड व्यू। गाइस अभी हम फ्रंट साइड व्यू भी लेंगे, अभी रुक जाइए गाइस। और हाँ गाइस, जो लोग मेरे को इस ताजमहल की ताजमहल का स्टोरी बताएगा और कौन कौन से पत्थरों से बना है और वो कौन कौन से कलर्स में दिखता है कौन कौन से टाइम पे वो बताएगा, मैं उनका अपने नेक्स्ट वीडियो पे शाउट आउट दूंगा और उनका नाम लूंगा सबका। ठीक है गाइस, तभी हम मैं आपको पूरा व्यू दूंगा इसका, ताजमहल का। पूरा व्यू दूंगा। तो भाई अभी हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके। गाइस ये देखिए, ये है ताजमहल, ये है इसका राइट साइड व्यू। गाइस ये रहे उसका पिलर। और गाइस फिलहाल अभी बहुत धूप हो रही है, तो सही से आपको आई थिंक ब्लैक ब्लैक कुछ दिख रहा है। तो गाइस यही है ताजमहल, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके। गाइस तो अभी हम ताजमहल के अंदर तो नहीं जा पाए क्योंकि उसमें गाइस वो बोल रहे थे 200 रुपीस वाले ही केबल आएंगे, हमारे पास 250 वाला सही। तो गाइस चलो, बट कोई बात नहीं, अभी हम गाइस एक और जगह पर जा रहे हैं। तो गाइस ये ताजमहल की साइड साइड वाली एंड क्या कहते हैं कैसे बिल्कुल। अभी हम इसके बगल बगल में चल रहे हैं, पता नहीं मैं आवाज आ रही होगी या नहीं, बट हाँ एक दवा आ गई। तो गाइस अभी तो हम आ रहे हैं, देखते हैं। एंड गाइस मैं बताऊंगा नहीं अभी हम कहाँ जा रहे हैं, अभी बताऊंगा नहीं कि अभी हम कहाँ जा रहे हैं, बट हाँ आप खुद कमेंट्स में देना बताना कहाँ है। गाइस बताइए ये कौन सी रिवर है, मैं तो जानता हूँ। गाइस ये देखिए उधर पर बहुत सारी बुफेलोज आ रही हैं, आई थिंक बुफेलो है क्या है। गाइस देखिए ये जो रिवर है, आप खुद बताइए ताजमहल के पास कौन सी रिवर हो सकती है, कमेंट से बताइए। और ये देखिए पूरी रिवर काफ़ी दूर तक जाती है। हाँ गाइस एक आपको हिंट देता हूँ, ये भगवान की संगता दी गई है इस रिवर को, शायद भगवान की संगता नहीं मुझे याद है नहीं, बट हाँ ऐसा कुछ है। गाइस ये रहा ताजमहल का लेफ्ट साइड व्यू, वीडियो बना रहे हैं। आपको मालूम होगा कि तीन गेट होते हैं, उनमें से ये एक गेट है। गाइस ये है ताजमहल का लेफ्ट हैंड साइड व्यू, सेम ही व्यू है चारों तरफ से आई थिंक। अरे गाइस मैंने आपको बैक साइड व्यू नहीं दिया, पर कोई बात नहीं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड तो दिखा दिया, बैक साइड भी सेम ही है, क्या है नहीं। बताया कैसा ताजमहल का आपको, अभी मैं गाइस व्लॉग थोड़ा सा लंबा करूँगा क्योंकि अभी हम और भी जगह जाएंगे, जैसे क्या कहते हैं रेड फोर्ट और फतेहपुर सिकरी भी जाएंगे। अब गाइस देखिए नहीं अगर इसी व्लॉग में ख़त्म नहीं करूँगा इस व्लॉग, बट हाँ गाइस मैं इस व्लॉग्स के पार्ट्स बनाऊँगा क्योंकि गाइस मैं कर रहा हूँ फ़ोन से व्लॉगिंग, मैं कोई ऐप यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो वीडियो से कर रहा हूँ, तो गाइस कभी कभार फ़ोन की ज़रूरत पड़ जाती है ना, तो मैं इसका पार्ट्स बनाऊँगा बहुत सारे, रेड फोर्ट फतेहपुर सिकरी इन सब का। ठीक है गाइस क्या कहता हूँ फिर से बिल्कुल हूँ तो भाई अभी हम निकल रहे हैं इधर से, इंडिया का भी ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें मैं तीन पार्ट डालूंगा, और ये गाइस ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अभी जो दो ब्लॉग हो रहा है, पार्ट थ्री पार्ट फोर ये पार्ट वन है, तो गाइस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे आपको। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं,
अभी निकले नहीं है, अभी हम उस साइड को जाएंगे, जाकर चल रहे हैं सर हमारे साथ। तो मेरे मामा तो बहुत कहेंगे हैं, मेरे मामा मैं हम मामू एंड या गाइस रिव्यू में 10 मिलियन पे ही, 10 मिलियन वैसे कुछ ज़्यादा होगा, चलो 1 मिलियन पे करता हूँ ठीक है, 1 मिलियन होना चाहिए। लेकिन गाइस 1 मिलियन होने चाहिए तब होगा फेस रिव्यू। वो रहा गाइस थोड़ा फ्रंट थोड़ा आ रहा होगा आपको, क्योंकि देखो बहुत सारे प्लांट्स भी लगे हैं, जैसे बहुत पुराने पुराने प्लांट्स हैं, देखिए प्लांट्स के बहुत सारे फूल भी उगे हुए हैं, रेड वाइट भाई पेड़ तो यार कुछ भी हो, बट गाइस गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, अगर जो लोग आते हैं साथ में गंदगी तो मत फैला। तो गाइस ये देखिए धीरे धीरे आपके सामने फ्रंट व्यू आने लगा है, देख रहा होगा पेड़ पौधे बीच में, बट गाइस कुछ किया तो जा नहीं सकता, अब आ रहे हैं तो आने दूर क्या हो जाता है हमारा। भाई वो देखिए उधर पर जा रहे हैं मेरे मामा, जो रेड टी शर्ट है वो मेरे मामा है, मेरी मम्मी को लेने जा रहे हो, सब बच्चों के साथ बैठी हुई थी ना, जो मेरे भाई बहन आए ना उनके साथ बैठे थे, ये जो उन दोनों को बुखार होने लगा, थोड़ी तबीयत सी ख़राब होने लगी थी जो थी। भाई ये रहता है मेरा आपके सामने, बट ये आ गए वो गंदगी मत फैलाया करो, जैसे उधर पर देखने वाले किसी ने उधर पर शू कवर अपना फेंक रखा है पहना होता है, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए।